हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज मैं रिव्यू करूंगा सी हल्क के 8वें एपिसोड की। गाइस, इस एपिसोड में एक सरप्राइज है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो गाइस, इस एपिसोड में एक लड़का होता है जो अपने आप को फ्रॉग कहता है और वो अपने आप को सुपर हीरो बताता है। वो फैशन डिजाइनर जिससे सी हल्क ने भी कपड़े बनवाए हैं, एवेंजर्स और सुपर हीरो के कपड़े बनाते हैं, तो उसी से वो अपना कॉस्ट्यूम बनवाता है। लेकिन उस कॉस्ट्यूम से आग लग जाती है और उसको चोटें भी आती हैं। इसलिए वो सी हल्क के पास जाता है और फैशन डिजाइनर के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए कहता है। सी हल्क भी तैयार हो जाती है, लेकिन सी हल्क कहती है कि पहले हम लोग ऐसे ही बात करके सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए सी हल्क जाती हैं फैशन डिजाइनर के पास और फैशन डिजाइनर से बात करती हैं इस बारे में। तो फैशन डिजाइनर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और तो गाइस, वो फैशन डिजाइनर गुस्से में आकर सी हल्क की बनाई हुई ड्रेस फाड़ देता है। और इसके बाद सी हल्क भी गुस्सा आ जाती है और कहती है कि अब मिलते हैं कोर्ट में। और जब कोर्ट में ईयरिंग होती है तो ज़बरदस्त आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम है डेयर डेविल। तो गाइस, फाइनली डेयर डेविल की एंट्री हो चुकी है और डेयर डेविल उस फैशन डिजाइनर का केस लड़ते हैं। और डेयर डेविल ये प्रूव कर देते हैं कि ये लड़का गलत है। वो फैशन डिजाइनर कोर्ट में जीत जाता है और सी हल्क हार जाती है। इसके बाद सी हल्क और डेयर डेविल का थोड़ा रोमांस दिखाया गया है। वो लड़का उस फैशन डिजाइनर को किडनैप कर लेता है और इसके बाद उस फैशन डिजाइनर को बचाने के लिए सी हल्क और डेयर डेविल दो लड़ते हैं और फिर जबरदस्त लड़ाई होती है। तो गाइस, यही था इस एपिसोड का रिव्यू। ये एपिसोड बाकी पिछले एपिसोड से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो भी कहूँ गाइस, एपिसोड 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा बोरिंग थे, उसमें कुछ भी नहीं था। और मार्वल वालों ने बिना फालतू के जो 9 एपिसोड निकाले हैं वो 6 एपिसोड में भी ख़त्म कर सकते थे।